हेलो एवरीवन, गोवा का ब्लॉग है मेरा, 6th ब्लॉग है गोवा से जो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। और आपने बहुत सारे गोवा के ब्लॉग देख रखे होंगे, पर आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स गोवा के ब्लॉग से थोड़े से डिफरेंट लग रहे होंगे, क्योंकि गोवा के ब्लॉग्स में आप सब जानते हैं कि मस्ती होती है, इन्जॉयमेंट होता है, सब लोग ये दिखाते हैं। गोवा का नाम सुनते ही हल्की सी स्माइल आपके फेस पर आती है कि वहाँ जाकर क्या होता है, कितना ओपन माहौल होता है। पर मैं अपने ब्लॉग्स में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगी गोवा की अलग अलग जगहों के बारे में। तो मेरा ये ब्लॉग जो है बाकी ब्लॉग से अलग होने वाला है। तो ये जो बीच आप देख रहे हैं, ये इस समय हम लोग हैं कलंगूट बीच पर, और हमारे होटल के पास ही कलंगूट बीच है। गोवा का बहुत ही फेमस बीच है, जहाँ की सनराइज तो नहीं पर हाँ सनसेट बहुत फेमस है। सनराइज तो फेमस नहीं है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का फर्क पड़ जाता है। और अभी मॉर्निंग में 6 बजे हम लोग मीन्स मैं, पति पत्नी और बच्चा निकल चुके हैं गोवा के कलंगूट बीच के लिए, जो हमारे होटल से पास था। बस 5-7 मिनट का रास्ता था। हमने अपने बैग्स वगैरह पैक किए, प्रिया के लिए खेलने का टॉय वगैरह रखा, और बस निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, काफ़ी अंधेरा सा हो रहा है, आप देख रहे हैं बीच पर हल्की हल्की सी भीड़ है, और मज़ा आने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। एक बात और कहूँगी कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में थोड़े से बोरिंग माहौल से ऊब चुके हैं, थोड़ा सा कोरोना के बाद बिंदास जीना चाहते हैं, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर जीना चाहते हैं, तो एक बार गोवा का चक्कर जरूर लगाइएगा। बहुत ही अच्छी सी जगह है, बहुत ही प्यारी सी जगह है। तो इस टाइम पर मैं बता रही थी, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग हैं गोवा के कलंगूट बीच पर, और ये बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कलंगूट नाम का एक छोटा सा टाउन है गोवा में, और यहाँ पर ये बीच है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और सबसे बड़ी बात, लहरों से नहीं पर माहौल से थोड़ा सा शांत बीच है। लहरें तो काफ़ी भयानक वाली हैं यहाँ पर बीच का जो माहौल होता है वो काफ़ी शांत होता है। तो आज हम लोग स्पेशली मॉर्निंग में यहाँ की आउटिंग के लिए आए हैं, और हमने सोचा कि जब होटल के पास है तो क्यों ना आज कलंगूट बीच को मॉर्निंग में एंजॉय किया जाए, जब भीड़ कम हो तो थोड़ा सा हमें भी जलपरी बनने का मौका मिले, पानी में भीगने का मौका मिले, क्योंकि भीड़ होती है। और जब हम पूरे तैयार व्यार होकर आते हैं तो गाड़ी में फिर रेत वेत वाली पैरों से बैठना मुश्किल होता है। और अभी यहाँ पर दिया अपनी बैठ गई हैं साजो सामान लेकर, टॉयज वगैरह लेकर। दिया के पापा भी दिया का साथ दे रहे हैं, और दिया के पापा को तो मैं क्या बोलूँ, उनकी नज़रें इधर उधर भी होती रहती हैं, शायद किसी को खोजते रहते हैं। कोई नहीं, मैं मस्ती कर रही हूँ। और अभी दिया को दिया के पापा रेत का महल बनाना सिखा रहे थे, और ये लीजिए दिया के पापा ने दिया का पैर ही रेत में दबा दिया है। तो ये बाप लोग जो होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, ये बच्चों का ध्यान नहीं रखते कि उनका पैर दबे या ना दबे, पर उनको जो है रेत में पैर दबाना जरूर सिखा देते हैं। तो ये वाली ट्रिक आप लोग अपने बच्चों को बस सिखाने लगिएगा। और रेत में जो है दिया के पैर दबाने के बाद फिर उस जगह को निकाला तो बोले कि ये लो तुम्हारा रेत का महल तैयार हो गया। तो ऐसे ही पापा लोग होते हैं। और इस टाइम पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सोचा कि चलो मेहंदी वाले हाथ ना सही, मेहंदी वाले पैर ही पानी में भिगा दिए जाए, तो मैं अपने मेहंदी वाले पाँव पानी में भिगाने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी जो है जब थोड़ा थोड़ा सा रोशनी बढ़ी, सूरज की किरणें बढ़ी, सूरज तो अभी नहीं निकला था, 6:30-7 का टाइम था, और यहाँ पर 7:30 जो है सनराइज का टाइम हुआ था उस दिन, तो पर रोशनी काफ़ी अच्छी सी बिखर गई थी। और आप भीड़ देख रहे हैं, भीड़ भी आने लगी है, और एक से एक सुंदरियाँ अपने अपने ड्रेस में जलवा बिखेरने को तैयार हैं, और बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो अपने बीच एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करने आते हैं। और गोवा में जो है जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली कपल्स के बीच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया सा टाइम होता है। इस कलंगूट बीच को सही ढंग से कैसे बोलते हैं वो मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ वापस से, कलंगूट। जी हाँ, आप लोग हंसिएगा नहीं, इसका रियल नेम यही है। ये बीच जो है नॉर्थ गोवा में है, और बहुत सारे मतलब डेली हजारों से ज़्यादा लोग, इंडियंस और फॉरनर्स यहाँ पर आते हैं टूर के लिए। और सबसे बड़ी बात स्पेशली क्रिसमस में और न्यू ईयर पे यहाँ की चकाचौंध देखने लायक होती है। और अभी तो ये दिन का टाइम है, पर रात में जब आप यहाँ पर आएंगे तो डीजे वगैरह की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगी, काफ़ी कपल्स होते हैं जो डांस करते हैं, बियर पीते हैं, वाइन पीते हैं। और अभी हमारे पर यहाँ पर हमारी दिया मैडम पानी में जबरदस्ती इनको बुलाकर खड़ा किया गया है, इनके पापा जो इन्होंने बोला कि खड़ा कर दो, और आप देख रहे हैं कि वो चिढ़ रही है, एक्चुअली उससे खेलना था, और जबरदस्ती यहाँ बुलाकर खड़ा किया था कि थोड़ा सा तुम भी जो है पिक्स क्लिक करा लो, वीडियो बनवा लो। और इसकी क्वेश्चनिंग जो इतनी ज़्यादा होती है कि मैं क्या बताऊँ, इतना क्वेश्चन करती है हर चीज़ को लेकर। इतना क्वेश्चन अगर मैंने किया होता अपने पेरेंट्स से, तुम न जाने आज मैंने कौन सी क्लास में टॉप किया होता। तो बच्चों के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं बच्चे जब बाहर घूमने जाते हैं, तो पेरेंट्स को तो एंजॉय करने नहीं देते, खुद की क्वेश्चन से ही जो है बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। तो दिया का भी अभी कुछ यही हाल है, और अभी दिया के साथ मैं भी आ गई हूँ पानी में, वो डर रही थी, मैंने कहा चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे तक लेकर चलती हूँ। और एक बॉल है फुटबॉल, आप देख रहे हैं बच्चे भी साथ में खेल रहे थे फुटबॉल, जब भी पानी में जा रही थी तो वापस बहा कर आ रहे थे,
तो हल्की होती है, इसलिए जो है लहरें उसे लेकर नहीं जाती, लेकर जाती भी हैं तो वापस छोड़ जाती हैं। तो कुछ इस तरीके का बड़ा प्यारा सा माहौल था अभी इस टाइम पर कलंगूट बीच में। और अभी इस बीच पर जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे तो हमारी दिया मैडम का ध्यान बार बार जा रहा था, तो मैंने उससे बोला कि अरे तुम वहाँ ध्यान मत दो, मेरे लिए दामाद थोड़े खोज रही हो। तो कुछ इस टाइप का भी होता है जब हमें बच्चों से ही मजाक करना पड़ जाता है। बच्चे तो समझते नहीं पर हम बड़े अपने हिसाब से उनसे मजाक करते हैं। तो पीछे आप देख रहे कितने सारे बॉयज हैं, लगता है उनमें से किसी एक ने मेरी दिया को पसंद भी कर लिया होगा और लगता है ये काम हम फाइनली करके जाएंगे गोवा में, मेरे लिए दामाद चुनने का काम। तो बस आज मैं फुल कॉमेडी के मूड में, मुझे अच्छा लग रहा है इस तरीके से बातें करना, क्योंकि ये जो बीच का वाला माहौल था ये आज भी जब मैं इस चीज़ को याद कर रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और बस यहाँ पर बहुत सारी मस्ती की थी, पर सारी चीज़ें मैंने वीडियो में नहीं डाली है, इस ब्लॉग में नहीं डाली है, कुछ पर्सनल रखा है अपने लिए, जो हम लोग सोशल मीडिया पर सब कुछ शेयर नहीं कर सकते, तो जितनी चीज़ें हो सकती हैं शेयर करने की वो मैंने कर दी। बाकी कुछ चीज़ें हमने पर्सनल रखी हैं अपने अपने लिए, अपने फ्री टाइम में देखने के लिए। तो बस कुछ यूँ है। और लहरें बड़ी खूबसूरत सी हैं, अभी प्यारी प्यारी सी हैं, पर थोड़ी देर के बाद हुआ यूँ था कि लहरों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई थी। जैसे ही सनराइज़ हुआ वैसे ही जो है लहरों में जो तेज़ी बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ थी कि अनाउंसमेंट होने लगा थोड़ा सा दूर जाने के लिए। 7:30 बजे 7:20 के आसपास का टाइम था जब वापस से हमें बोला गया कि आप लोग लहरें से थोड़ा सा दूर हट जाइए। और इस टाइम पर हम लोग बहुत पास में थे, मतलब समुद्र के एकदम जहाँ लहरें आ रही थी वहीं पास में ही थे। बाद में फिर हम लोग थोड़ी सी दूरी पर जाकर बैठ गए थे। और इस बीच पर इस मॉर्निंग के टाइम में हमने जो मस्ती करी थी, स्पेशली मैंने जो मस्ती करी थी, जो पानी में भीगे थे, जो खेले थे, तो ऐसा लग रहा था कि अगर इस जगह पर नहीं आते, गोवा की इस जगह पर नहीं आते, तो शायद बुढ़ापे तक पछताना पड़ता। और आप लोग भी कभी गोवा आइए तो इस तरह से इस जगह को ज़रूर इंजॉय करिए, वरना आप भी बुढ़ापे तक पछताएंगे, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे गोवा आने के। तो आप लोग भी जो है इस तरह से इंजॉय ज़रूर करिएगा। वाओ, आपको दिख रहा है सनराइज हो चुका है और लहरें भी काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं, रोशनी काफ़ी अच्छी फैल चुकी है। और इसके बाद से मैंने थोड़ा सा बैठ बैठ कर भी इंजॉय किया था पानी में, क्योंकि बीच नहीं मिलता, कहीं पानी नहीं मिलता, राजस्थान में एकदम सूखा होता है, कहीं नदी तालाब के दर्शन नहीं होते, ढंग से पानी भी नहीं आता, घरों में भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं आता, तो पानी के सोर्सेस कम हैं। तो जब हमें इस तरह से पानी के सोर्सेस मिले तो मैंने कहा कि क्यों ना जो है बैठ कर इंजॉय कर लेते हैं। तो मैंने दिया को अपने साथ बैठा लिया। और इस टाइम पर मेरे एजी ओजी जो हैं वो शायद किसी कन्या को देख रहे होंगे, किसी गर्लफ्रेंड को खोज रहे होंगे। मैं तो पानी में बैठी मस्ती कर रही थी, और वो भी हो सकता है कि कहीं कोई मस्ती कर रहे हों। देखूंगी इनको, होटल पहुंचकर बात करूंगी इनसे। और अभी कलंगूट बीच में मस्ती वस्ती करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने होटल रूम में। और जैसे ही भीगे थे वैसे ही पैदल चलते हुए हम लोग अपने होटल तक आ गए थे। और इनको तो मैं रूम में जाकर बताऊंगी कि कहाँ किस कन्या को देख रहे थे। और होटल मॉर्निंग के टाइम बहुत खूबसूरत लग रहा था, भीड़ अभी कम थी, सब लोग शायद अपने अपने रूम्स में रहे होंगे। तो मैंने कहा चलो होटल का व्यू आप लोग को ऐसे ही दिखा देती हूँ, और रूम में जाएंगे फिर नहाए वहाएंगे और फिर उसके बाद से जो है निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे, कहाँ जाएंगे घूमने आगे बताऊंगी। और इसी टाइम पर हुआ यूँ था कि मेरे स्पेक्स रूम में जाते ही हाथ से गिर के टूट गए। टूट तो गया एक्चुअली, उसका फ्रेम जो है वो पूरा मतलब ब्रेक हो गया। तो मुझे गोवा में आज ही के दिन मुझे अपना स्पेक्स भी चेंज कराना पड़ा। और ये स्पेक्स ना हो तो मोबाइल देखने में या बाकी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैंने इनको जिद करके बोला कि पहले मेरे चश्मे बनवाओ, उसके बाद से जो है कहीं हम लोग घूमने निकलेंगे। तो बस इसके बाद से हम लोग जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद घूमने निकलेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने ड्राइवर को बोलकर अपना मैंने चश्मा ठीक कराया। तो ये चश्मे वाली दुकान का रास्ता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद से जो है हम लोग पहुँचेंगे एक चर्च पे। और इस टाइम पे हुआ यूँ था कि गोवा में सारे चर्च बंद थे। अब क्यों बंद थे, शायद कोरोना की वजह से बंद रहे होंगे, पर हमने चर्च को बाहर बाहर से काफ़ी अच्छे से देख लिया था। तो ये जिस चर्च में इस समय हम लोग हैं, इस चर्च का नाम है सालीगांव चर्च, जो कि है नॉर्थ गोवा में। और अभी यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और ड्राइवर साहब ने हमें बाहर से ही छोड़ दिया कि आप लोग जाकर चर्च घूम कराओ। पर जब हम लोग अंदर गए तो देखा कि चर्च का जो मेन गेट था वो बंद था, बाकी चर्च अंदर से खुला हुआ था। और कुछ एक आध टूरिस्ट भी थे जो अंदर ही गए थे देखने वेखने, तो सब बाहर से ही इस तरह से हल्का फुल्का पिक्स खिंचवा कर लौट रहे थे। तो चर्च हमने पूरे गोवा में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं देखा, जितना भी देखा वो बाहर बाहर से देखा। पर चर्च खूब सारे हैं तो देखना अच्छा लगता है। और अभी हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन पर, ये है दूसरा चर्च जो कि पड़ता है परजी में। और ये चर्च है डॉक्टर दादा वैद्य रोड पर। और इस चर्च का नाम है अल्टिनो चर्च, पानाजी में है, नॉर्थ गोवा में है। पानाजी यानी कि परजी, जो गोवा का कैपिटल है, गोवा की कैपिटल है, राजधानी है गोवा की, वहाँ पर ये चर्च है। और काफ़ी पुराना चर्च बोलते हैं इसको, शायद इसको ओल्ड चर्च भी बोलते हैं। और ये चर्च अंदर से काफ़ी बड़ा है। तो बस चर्च का मेन गेट ही बंद था, बाकी हम लोगों ने अच्छे से
इस चर्च को घूम लिया था यहाँ पर, और सीढ़ियाँ खूब थी इस चर्च में चढ़ने के लिए, टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ इस चर्च में आए हुए थे। तो जब जो आ रहे थे तो रुककर फोटोज़ वगैरह भी क्लिक करा रहे थे, क्योंकि आने के बाद ये होता ही है कि थोड़ा सा कि भाई गए हैं तो फोटोज़ वगैरह क्लिक करा लें, भले ही चर्च में अंदर जाके दर्शन हुए या ना हो, चर्च में देख पाए या नहीं देख पाए। और दिया के लिए ये जो चर्च की आउटिंग थी एकदम न्यू थी, तो बार बार क्वेश्चन कर रही थी, माँ ये क्या है, तो यहाँ पर जो क्रॉस है ब्लैक कलर का, वो यहाँ पर मैं दिया को उसके बारे में बता रही थी क्या होता है कैसे होता है, बच्चों को समझाना पड़ता है। और अभी सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर वाले रास्ते पर जा रहे हैं, साथ में एक दो कपल्स भी हैं, आप देख रहे हैं कि कपल्स की भीड़ ज़्यादा है, लड़के लड़कियां होते हैं शायद आसपास के या फिर गोवा के लोकल के, वो लोग ज़्यादा जाते हैं। और यहाँ पर जो मेन रास्ता है चर्च का, यहाँ पर बंद है, और यहाँ पर फिर मेरी ये पोपट कर रहे हैं मुझे खड़े करके, और मुझे लगा कि वो फोटो ले रहे हैं, पर बार बार पोपट करते हैं और शायद कैमरे में किसी और को शूट करते होंगे, मैं सोचती हूँ मुझे शूट कर रहे हैं पर मुझे खड़ा करके और वीडियोज़ वगैरह बनाने लगते हैं। तो कई जगहों पर ऐसा हुआ था गोवा में जब मुझे इस तरह से खड़ा किया गया था, और बाद में पता चला कि नहीं, मैं तो ब्लॉगिंग कर रहा था, मैं तो शूट कर रहा था, तुम क्यों ऐसे खड़ी थी। तो होता है, पतिदेव लोग ऐसे ही होते हैं, आपके यहाँ भी ऐसे ही होता होगा। और जब थोड़ी सी शूट करते करते मेरे पतिदेव थक जाते हैं, उनको कैमरे में आने का शौक होता है, तो वो बोलते हैं लो अब तुम वीडियो बनाओ, मैं थोड़ा सा आगे पीछे चल लेता हूँ। मैंने कहा चलो भाई आपकी भी ये इच्छा पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो दिया को लेकर जा रहे थे, मैंने कहा चलो आप लोग के पीछे से मैं भी थोड़ी थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ कभी कभी, वैसे भी चैनल तो मेरा ही है और मैं कैमरा नहीं संभालूंगी तो काम कैसे चलेगा। और चर्च से उतरते ही मुझे एक बहुत ही मेरी फेवरेट चीज़ दिख गई थी, जो कि है इयररिंग्स। आप सबको पता है कि मैं आर्टिफिशियल इयररिंग्स कितनी ज़्यादा शौकीन रहती हूँ, और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी सी बार्गेनिंग करी थी। 240 का पूरा इयररिंग्स का डिब्बा मैंने सिंपल 120 में लिया था, तो आप सोच सकते हैं मैंने कितनी ज़्यादा बार्गेनिंग करी थी। गोवा में भी जाकर मैंने बार्गेनिंग नहीं छोड़ी थी। और ये पूरा डिब्बा दिख रहा है इन भैया के हाथ में, ये पूरा डिब्बा मैंने लिया था, 12 पीस इयररिंग्स का सेट था, बहुत ही खूबसूरत है, कभी आगे आप लोग को अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। और ये लीजिए, बातें करते करते हम लोग आ चुके हैं डोना पौला पर, जो कि एक बहुत ही मतलब बीच के किनारे बना हुआ एक ऐसा साइट है जहाँ से आप खड़े होकर जो है देख सकते हैं, मज़े ले सकते हैं सी के, रिवर्स के, जो कि आपस में मिलते हैं, साथ ही बोटिंग वगैरह भी हैं। और धूप इतनी तेज़ थी, हमने बोटिंग वगैरह नहीं किया था क्योंकि इसके एक दिन पहले ही हमने बोटिंग करी थी, और मैंने सोचा थोड़ा सा चश्मा उश्मा सेट कर लूँ तो फोटोज़ वगैरह अच्छे आते हैं, मैं जहाँ जाते स्पेस लगाती, और उसके बाद जब पिक्स क्लिक करवाने की बारी आती तो मैं अपने गॉगल्स निकाल कर लगा लेती। एक तो गोवा में धूप बहुत ज़्यादा, दूसरे फैशनेबल कपड़ों के ऊपर वो स्पेक्स अच्छे नहीं लगते, आई होप आप समझ सकते हो। तो मैंने गॉगल्स खूब सारे पर्स में भर रखे थे अलग अलग डिज़ाइनों के। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये रिवर है एक तरह का, तो ये ब्रिज बना हुआ है, और यहाँ इस ब्रिज से खड़े होकर जो है देखते हैं। तो अभी यहाँ का हाफ एरिया जो है कंस्ट्रक्शन की भेंट चढ़ चुका था, वहाँ हमें मतलब टूरिस्ट को जाने नहीं दिया जा रहा था, और साइड में एक फंकी टाइप का मार्केट आप देख रहे हैं, छोटी छोटी स्टॉल्स वगैरह लगी हुई थी। तो यहाँ से मैंने एक छोटी सी फ्रॉक और एक अपने लिए टियारा लिया था, और वो फ्रॉक मैंने मोना के लिए ली थी। तो काफ़ी अच्छी मतलब कॉटन फ्रॉक्स वहाँ मिलती हैं जो वहाँ की लोकल लेडीज़ या फीमेल्स वगैरह पहनती हैं, तो मुझे भी अच्छी लगी, मैंने कहा छोटा सा ले लेती हूँ। दिया तो मेरी पहनती नहीं है, दिया को तो बॉयज़ बनने का शौक है, उन्हें तो इन पैंट शर्ट से भी फुर्सत नहीं है, तो मैंने कहा चलो मोना के ऊपर मैं अपना शौक पूरा कर लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से एक छोटी सी फ्रॉक परचेज़ करी थी रेड कलर की मोना के लिए, और बस कैप वैप लगा कर मस्ती में घूम रहे हैं। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ साथ डोना पौला घूमते हुए। ये लीजिए, वापस से मेरे पति देव कैमरे में आ चुके हैं, और हो सकता है भाई इन्हें भी किसी अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना होता होगा, देखो मैं भी वीडियो में आया हूँ तो और अभी जो है हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो रोड है वो कसमत सा हो रखा है, क्योंकि इसीलिए क्योंकि यहाँ पर चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम, और इस टाइम पर धूप थी काफ़ी तेज़। आज जो है धूप थोड़ी तीखी वाली थी, तेज़ थी, और मैंने भी टियारा जो लिया था वो लगा लिया था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा पिक्स में चेंज हो जाता है, लुक भी चेंज हो जाता है, एक ही ड्रेस में चार जगह जाओ तो ऐसे लगता है कि एक ही कपड़े पहन के चार जगह घूम रहे हैं। तो मैंने कहा अपना लुक थोड़ा सा चेंज कर लूँगी, और टियारा मुझे अच्छा लगता है, पर्सनली पसंद है। वैसे मैंने लिया तो दिया के लिए था कि दिया लगाएगी, पर उसने नहीं लगाया, मैंने कहा चलो दिया की माँ ही लगा लेती हैं। और अभी बस हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ जाएंगे, और उससे पहले थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे, गर्मी आ गई है तो हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ मिल्क शेक वगैरह पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, और इसके बाद से बढ़ेंगे गाड़ी की तरफ। और आपसे मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये ब्लॉग यहीं तक था, और ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।